महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर पुरानी राजनीति पर उतर आई है। इसके तहत एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में लाठी चलाओ भैया हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी, जिसके बाद राज के गुंडों ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में जमकर उत्पात मचाया है। एमएनएस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उत्तर भारतीय और बिहारियों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के संगाली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय मजदूरों को बीच सड़क पर लाठी डंडों से उनकी पिटाई की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई का वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। एमएनएस का कहना है कि एमआईडीसी में दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी दी जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। एनएमएस की मांग है कि 80% यानी कि 80% एम्प्लॉयमेंट मराठियों का अधिकार होना चाहिए। एमएनएस ने आरोप लगाया है कि पर प्रांतियों की वजह से सांगली में अपराध बढ़ते जा रहे। तस्वीर ये वीडियो देखिए जो वायरल हुआ है, किस तरह एमएनएस के कार्यकर्ता एमएनएस के लोग उत्तर भारतीय और बिहारियों को लाठी चला रहे, उन पर अपने नारे लगा रहे हैं लाठी चलाओ